विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला महिला चिकित्सालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से मनाया जाता है। बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए परिवार नियोजन से जुड़े फैसलों में महिला और पुरुषों की समान भागीदारी आवश्यक है। दुनिया की आबादी 8 अरब के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। हमें छोटा परिवार सुखी परिवार के मंत्र को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी चिकित्सालय पर लाभार्थी के लिए परिवार नियोजन के सभी साधन उपलब्ध हैं। इस अवसर पर SIC डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार, ARO SN शुक्ला, मैट्रन BK वर्मा, काउंसलर ज्योति सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आज जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम सब अभी लोग जान रहे हैं, निरंतर में हम नियंत्रण करते जा रहे हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है लगभग 24 करोड़ के आसपास हो गई है। यह अगर एक तरह से जनसंख्या के बारे में देखा जाए, अगर आपके पास सभी साधन हैं, जनसंख्या हमारे लिए एक मूल्य अस्त्र होता है, लेकिन जब हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारी जमीन सीमित है, हमारी प्रकृति सीमित है, तो हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना है और इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के और आज जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, इसके उपलक्ष्य में हम लोग ये कह रहे हैं कि आम जनमानस के बीच में किया जाता है, लेकिन जैसा कि हम लोग कहने के लिए तो पुरुष प्रधान समाज का दावा करते हैं, लेकिन हम लोग कहीं पर पुरुष प्रधान है नहीं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो गोरखपुर में ही हमारी महिलाएं जो है नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण देते हुए, चाहे वो कन्या नस्वती का चाहे अस्थाई बली का सेवन करने में स्तर से आगे रहती है। मेरा आप सभी से यह निवेदन है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, परिवार नियंत्रण देखिए, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इसका मनाने का उद्देश्य ये होता है कि आम जन में बढ़ती आबादी के नुकसान और सीमित परिवार के फायदे लोगों को समझाया जाए। इसके लिए हम लोग जगह जगह गोष्ठियाँ करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता कराते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। उसी के तहत जो है आज हम लोग के जनपद में प्रातःकाल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से एक बैठक लिया और जिसको हम लोगों ने जूम बैठक पर सब लोगों ने देखा। जनपद के समस्त हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जितने भी CHOs थे वो थे और परिवार कल्याण और लक्ष्य दंपति को जनसंख्या के बारे में प्रेरित किया गया और इसी सिलसिले में हमने दिन में 11:30 बजे जो है जिला महिला चिकित्सालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सीमित परिवार के फायदे बताए गए और बढ़ती आबादी के नुकसान गिनाए गए, महिलाओं के बढ़ चढ़ योगदान की सराहना की गई। अभी भी पुरुषों का योगदान परिवार नियंत्रण में लगभग नगण्य के बराबर ही है। इस दिशा में भी लोगों में जागरूकता पैदा की गई, डिस्कशन किया गया और इसके साथ साथ परिवार नियोजन के जितने भी उपाय होते हैं, चाहे परमानेंट उपाय हो चाहे टेम्प्रेरी उपाय हो, इन सब के बारे में आम जन को बताया गया और सेंसिटाइज किया गया।